Good morning, students. Welcome to another lecture on direct and indirect speech. So in my last lecture, I talked about rules for changing direct speech into indirect speech. So to continue, you can say, if the reporting verb is in the present tense, the tense of the direct speech do not change. अगर reporting speech की verb present tense की है, then the tenses of the direct speech की tense की कोई change नहीं करती. अब तक हमने देखा था कि अगर reporting verb past में है तो टेंस चेंज होता है डायरेक्ट स्पीच का, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है टेंस चेंज नहीं होगा. एग्जांपल के लिए, ही सेज हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट, ही सेज, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा. इनडायरेक्ट केस में लिखा ही सेज दैट हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर. हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहा. एक और एग्जाम्पल है, जैसे ही सेज द हॉर्स डाइड इन द नाइट, डाइड सिंपल पास्ट है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता ही सेज प्रेजेंट है, अगर सेड होता तो डाइड की जगह सिंपल पास्ट की जगह हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. लेकिन यह रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज इन सिंपल, इज इन प्रेजेंट टेंस. So, the tense of the direct speech will not change. इसका indirect tense change convert करेंगे. He says that the horse died in the night. Next, the tense does not change if the statement is a universal truth. Yes. अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है, टेंस डज नॉट चेंज, चेंज डज नॉट टेक प्लेस. एग्जाम्पल के लिए, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, टीचर ने क्लास में बताया पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, नेचुरल फिनोमेना है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा. द टीचर सेड ऑल्दो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, सेड है, बट इफ द, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इफ द स्टेटमेंट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, verb of tense of the direct speech does not change. The teacher said that the earth moves round the sun. Okay. Next, there are certain words which express nearness in time or place. Are generally changed into words expressing distance. For example, now. In direct sentence, direct speech, if there is the word now in a sentence, now becomes then.
हियर देयर एगो बिफोर दस सो टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द डे बिफोर लास्ट नाइट द नाइट बिफोर सो देयर आर अ फ्यू मोर वर्ड्स नोट द चेंज द चेंजेस डू नॉट अकर इफ द स्पीच इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड और एट द सेम प्लेस ओके अगर सेम टाइम में कही हुई बात है उसी जगह कही है चेंज नहीं होता थैंक यू